हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ इंटेक्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर नरेंद्र बंसल की, जिन्हें दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींच चाबी के छल्लों पर लगा के बेचा करते थे। लेकिन कुछ नया करने का जुनून, सूझबूझ, अपनी मेहनत, लगन से उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ा कर दी थी। उसकी वैल्यूएशन आजकल और नरेंद्र बंसल की ये कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा इंटेक्स टेक्नोलॉजीज का टीवीज, यूपीएस, वेबकैम्स, होम थिएटर्स, स्पीकर्स, वॉशिंग मशीन जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाता है। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, नरेंद्र बंसल ने इस कंपनी का निर्माण कैसे शुरू किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1963 से, जब राजस्थान के भद्रा नाम के गांव में नरेंद्र बंसल का जन्म हुआ, जो उनका पिता का नाम भंवरलाल बंसल था, जो अनाज का काम करते थे। नरेंद्र बंसल की शुरुआती कमाई गांव के एक स्कूल से हुई थी और फिर उनका पूरा फैमिली नेपाल चले गया, जहां उन्होंने विश्व निकेतन स्कूल से 10 तक पढ़ाई कर दी। फिर से एक बार 1980 में उनका फैमिली दिल्ली को शिफ्ट हो गई और वहां पर नरेंद्र बंसल अपनी 12th क्लास एक गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की। दरअसल नरेंद्र बंसल शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना पिता का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा था। तब वो कॉलेज में थे जब नरेंद्र बंसल ने अपना पॉकेट मनी के लिए अपने के दोस्तों के साथ मिलकर बिरला मंदिर के पास एक फोटो खींचने का काम किया था, जिसे की चेन पर चिपका कर बेचा करते थे। लेकिन कुछ महीनों तक ये काम करने के बाद उनके दिल में ये एहसास हो गया कि इस प्रोफेशन में ना एक्सपीरियंस, ना पैसा, ना कमा सकते, इसीलिए उन्होंने ऑडियो वीडियो कैसेट बेचने का काम शुरू कर दिया। उन दिनों इस पर काफ़ी प्रॉफिट आ रहा था। उन्होंने ऑडियो वीडियो कैसेट को थोपली खरीद कर दिल्ली के रिटेल शॉप में बेचना शुरू कर दिया। एक्चुअली इस काम में उन्हें खास इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो कैसेट बेचे तो पैसे दिन भर ही खाली हो जाते थे। इसी तरफ से नरेंद्र बंसल ने महीने में 2 से 3 हज़ार तक कमाने लगे थे, जो कि उन दिनों में ठीक ठाक अमाउंट होता था। तभी उनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने कुछ बड़े चूजे पर नज़र रखना पड़ी और उन्होंने ये पता चला कि भारत पर ज़्यादा चीज़ों ने चीन और कोरिया पर मार्केट से आते हैं, इसलिए उन्होंने चीन के मार्केट को अच्छे से समझने का फैसला किया और वो थोड़े पैसे जमा लेने के बाद वो हांगकांग चले गए, जहां जाकर उन्होंने कुछ लोकल मार्केट का जान लिया और वहां डीलर्स से दोस्ती भी कर ली। और यही वो समय था तब भारत में कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। नरेंद्र बंसल ने इस मौके का छोटा मानने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठा ली और वहां से छोटे छोटे कंप्यूटर एक्सेसरीज इंपोर्ट करने लगे। कुछ सालों बाद उन्होंने 20,000 का इन्वेस्ट कर दिए, अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने इंटेक्स रखा। इस कंपनी में फ्लॉपी डिस्क, इथरनेट और कंप्यूटर रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट्स को इंपोर्टेड करते थे। अगले 3 साल के बाद इस कंपनी के जरिए कोरिया और थाईलैंड जैसे मार्केट में भी अपने कॉन्टैक्ट का लिस्ट बना लिया और उन्होंने पूरा कंप्यूटर ही असेंबल करके बेचने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद नरेंद्र बंसल ने इंटेक्स टेक्नोलॉजी का कंपनी शुरू कर दी और चीन और कोरिया से सीधा माल लाने के वजह से उनके द्वारा प्रोडक्ट और दूसरों की प्रदर्शन काफ़ी सस्ती थी।
और यही रीज़न था कि कंपनी को प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में ही 30 लाख पहुंच गया। आगे चलकर ने नरेंद्र बंसल स्पीकर्स, डीवीडी प्लेयर्स और होम थिएटर्स को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिया और होम थिएटर्स इतना ज़्यादा बिक गए कि नई ऊंचाई पर चली। और 2005 में इंटेक्स ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी भी खोला है, जिसके बाद कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट अपने देश में ही बनाने शुरू कर दिए। आगे चलकर मोबाइल को हाई डिमांड देखते हुए इंटेक्स ने मोबाइल्स बनाना भी शुरू कर दिया और आज के समय में इंटेक्स मोबाइल बनाने वाली भारत में सेकंड प्लेस में है। और आज इंटेक्स टेक्नोलॉजी में आज करीब 11,000 लोग काम करते हैं और नरेंद्र बंसल के साथ साथ उनके बेटे केशव बंसल भी अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, देखें ना आपने नरेंद्र बंसल ने किस तरह से दिमाग को चलाते हुए छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़े और सफल हुए। और सफलता की बात करें, सफलता ये है कि सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। Hey everyone, are you looking to have a new website? We provide eloquent and beautiful websites. Free domain, free hosting, business email, spites.com.